नमस्कार मित्रों, के नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ श्री काशी विश्वनाथ धाम का एड्रेस। इस समय हूँ शंकराचार्य चौक चौपे खड़ा हूँ और डेट की बात करूँ आज है 14 नवंबर। वैसे बात करें यहाँ पे काशी विश्वनाथ में या अन्य जगह जो घूमने लोग आ रहे हैं, इस समय पर्यटक की संख्या काफ़ी बढ़ गई है बनारस में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। बताना चाहेंगे अन्य जगहों से ज़्यादा या बनारस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इसमें हो रही है। काफ़ी दूर दूर से लोग इस समय आ रहे हैं घूमने के लिए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन के तैयार हुआ जब से मोदी जी ने उद्घाटन किया दिसंबर में, वैसे तब से यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है। मेरे पीछे देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है कॉरिडोर में। अगर आप लोग कभी दर्शन नहीं काशी विश्वनाथ धाम तो आप लोग भी दर्शन करिए आके। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मंदिर बनाए, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाए हैं यहाँ पे। चलता हूँ बैक कैमरे से यहाँ का सीन दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कितनी भीड़ है साउथ इंडियन वालों की एकदम इस समय। तो यहाँ से देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा आगे तक लाइन लगी हुई है। यहाँ से देख सकते हैं ये, यहाँ से इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से होते हुए पूरा जा रहे हैं उस साइड से, रिलिंग से होते हुए इस साइड जा रहे हैं। अब भीड़ से आप से अनुमान लगा यहाँ भीड़ है, अंदर कितनी भीड़ है। बाकी आपके क्या रहा कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ नाइट बाजार की, चौका घाट पर जो फ्लाई ओवर बनाया गया है उसकी वीडियो में अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। मोबाइल लेके वहाँ पर जमा कर रहे हैं, आराम से लोग दर्शन करने जाते हैं। बैग नहीं अलाउ यहाँ पे, पहले ही बता देते हैं, पहले ही बताया हूँ आपको बैग नहीं पे अलाउ। बैग आपको बाहर रख के आना पड़ेगा यहाँ मंदिर से। मोबाइल अलाउ यहाँ पे, मोबाइल रखिए, जमा करिए, आराम से दर्शन करिए। चलिए मैं थोड़ा सा पास करके पहले दर्शन कराता हूँ, आप फिर आगे की वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। बस खुश आशीर्वाद दो। तो यहाँ से दर्शन करिए आप लोग, हर हर महादेव सभी लोगों को, काशी विश्वनाथ की जय हो। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पावन, देख रहे बराबर लोग सेल्फी लेने की जोड़ यहाँ पे लगे हुए एकदम। इस प्राचीन जगह इतनी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, स्वच्छ एकदम बनाया गया है। यहाँ पे आराम से लोग दर्शन करते हैं, आराम से यहाँ पे आराम भी करते हैं, लोग आनंद लेते हुए पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं यहाँ का। बस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ गंदगी ना करें लोग, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भीड़ देखिए यहाँ से, टोपी लगा लगा के लोग आए हुए हैं एकदम, बाहर के सब लग रहा साउथ इंडियन लग रहे हैं। कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग लग रहे हैं ये, बाकी तो मुझे देखने में लग रहा साउथ इंडियन नहीं है। तो देखिए मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ आपको भीड़ जो है। देख कैसे लोग घूम के जा रहे हैं, साइड साइड से घूम के उस साइड जा रहे हैं, पूरा हाथ में जल लेके बाबा चढ़ाने के लिए। तो मैं चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ गंगा द्वार की तरफ, दिखाता हूँ आपको यहाँ से भी। देखिए भीड़ ये देखिए गंगा द्वार के दरिया का नज़ारा है यहाँ से। गंगा द्वार पहले यहीं तक मोबाइल अलाउ था, उसके बाद तब अंदर शंकराचार्य तक कर दिया गया। देखिए आगे चल के सकता है क्या की तब भी करते मंदिर तक, उम्मीद लगता है। तो यहाँ देखिए अभी काम चल ही रहा है ये वाला, अभी प्रॉपर पूरा। ये देखिए पत्थर अभी सब निकाले गए यहाँ पे, अभी अभी वैसे के वैसे पत्थर रखा गया है। गणेश जी का दर्शन करिए आप लोग भी, जय हो गणेश भगवान। कितना खूबसूरत लगता है कमेंट करके बताइएगा आप, जब सिपा का पूरा ये बना दिया गया सीकर पूरा। अब चलिए चलते हैं यहाँ से आपको बाहर की तरफ, गंगा द्वार की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये गंगा द्वार एंट्री हो चुकी है, पहले से ही खुला हुआ है। दीदी पाली के पास से खुल गया ये रास्ता, यहाँ से दीदी पाली को भी खुल गया था,
14 नवंबर 2022 धम यात्रा महासंघ महारुद्राभिषेक काशी विश्वनाथ मंदिर पर देखिए दिखाता हूँ वीडियो से चालू हुआ है या नहीं। यहाँ देखिए चालू हो चुका है ये भी। चलिए यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये देखिए टिकट काउंटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप मोबाइल जमा कर सकते हैं। जब से घाटों पे खुल गया है रास्ता जाने के लिए यहाँ से गंगा द्वार से, वैसे तब से इधर से भीड़ कम हो गई है, लेकिन जो रस्सी बना गया पहले से वैसे रस्सी है ही। व्यू गैलरी की तरफ आ गया हूँ, मानसरोवर। रस्सी के आगे नहीं जाना है। चलिए चलता हूँ घाट की तरफ, नीचे दिखाता हूँ आपको। तो देखिए वहाँ पे सफाई कार्य चल रहा है। सीढ़ियों लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे नींबू चाय का मजा ले रहा है। देख सकते हैं नीचे की लाइट चालू हो चुकी है इस साइड की, और यहाँ पे देखिए स्कूल बच्चे, स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। तो साहिब ने पच्ची देख रहे हैं, ठंड में तो आ चुके हैं। उस पार आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पानी है अभी है, धीरे धीरे घट रहा है, जो मुझे दिखा रहा हूँ आपको। अब वो जो पानी जो कम है तो वहाँ पे 10 सीटें काम शुरू हो जाएगा। अभी उस पार नाव भी नहीं जा रहा है, लगभग कुछ दिन बाद नाव भी जाने लगेगा। अभी नाव अलाउ नहीं है उस पार जाने के लिए। वैसे नाव तो चल रहा है घाट पे, लेकिन पानी में और आगे नहीं भी अलाउ नहीं है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा उस साइड चलता हूँ, उस साइड दिखाता हूँ चल के। इधर का सफाई हो गया तभी इधर का बचा हुआ था, तो यहाँ पे सफाई कर चल रहा है साइड में। तो देखिए मंगा घाट साइड आ गया, मंगा घाट पे देख सकते हैं ये। अभी हम लोग के अंदर का भी सफाई कर चल रहा है। पूरा मिट्टी है इधर, यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं लोग। और आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो जेटी है, कितना पानी कम हुआ इस समय। यहाँ पे देखिए पूरा माला फूल का भी ऐसी है, बोला ले जाया जाएगा देखने के लिए। पूरा किनारे किनारे एकदम गंदगी पूरी जमी है पानी में। से पहले आपको दिखा था बोतल पर फेंका गया था। यार आराम कर रहे लोग, चाय पी रहे बैठ के। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं इस साइड में। धीरे धीरे देखिए जेटी दिखने लगा है। अरे
अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन और 10-15 दिन और लगेगा यहाँ पे, जो जेटी पूरा यहाँ का पानी पूरा कम होने में, पानी वो ज़्यादा भी है। तो चलिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।